Ashkar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So since it was published back in 1959 for the first time, it contains information limited to that era, 1950s, 1940s. We had begun with the chapter called Neurological Disorders and Liver Disease 2 videos back, and we had covered the introduction part, which included portal systemic encephalopathy and the vague term initially coined hepatic coma. Now we will begin with foetal hepaticus, which has been described in this chapter by the author called Mr. Michael Kremer. लेट्स कंटिन्यू. तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए, फीटर हिपैटिकस एक ऐसी डिस्टिंक्ट स्मेल है जो लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स में, सिवियर लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स में पाई जाती है. ये हमें अभी पता है, लेकिन उस वक्त क्या पता था? तो आइए पढ़ते हैं. तो फीटर हिपैटिकस को ऑथर ने डिस्क्राइब किया था, स्वीटिश सिकली एंड स्लाइटली फीकल स्मेल एज, और कैसी लगती थी, रेमिनिसेंट ऑफ माइस, ऐसा स्मेल होती थी और होती है. और किस में होती है? अकर्स इन द मोर सिवियर डिजीज ऑफ लिवर सेल्स और विद लेस सिवियर डिजीज बट विद एन एक्सटेंसिव कोलैटरल सर्कुलेशन. या तो डिजीज बहुत सिवियर है लिवर डिजीज, लेकिन यदि डिजीज लेस सिवियर है तो एक्सटेंसिव कोलैटरल सर्कुलेशन है. अराइज प्रोबेबली ये देखा जाता है कि इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया जाता था कि ऐसी स्मेल डिमिनिश हो जाती थी आफ्टर डिफिकेशन, स्टूल पास करने के बाद कम हो जाती थी. या फिर चेंज इन गट ऑर्गेनिजम्स, यदि एंटीबायोटिक्स दे के प्रोड्यूस कर दें तो भी ये स्मेल कम हो जाती थी. और ये भी माना जाता था कि हो सकता है ये स्मेल ड्यू टू मीथाइल मरकैप्टन हो, और इसीलिए मीथियोनिन द्वारा आती हो, क्योंकि मीथियोनिन जो है एक इनहिबिटेड डिग्रेडेशन ड्यू टू द लिवर डैमेज के कारण होता है. और इसका जो सेंस है, इसका लिया जाता था वो ये था कि ये मोर सिवियर प्रोग्नोस्टिक साइन होता था इफ़ देर इज नो और लिटिल पोर्टल कोलैटरल सर्कुलेशन. लेकिन ये हमेशा एक यूजफुल डायग्नोस्टिक पॉइंट है कोमाटोस पेशेंट्स में. तो इन्वेस्टिगेशंस कितनी की जाती थी उस वक्त? न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, जो कि कन्फाइंड थी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ईईजी और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तक. चेंजेस इन सीएसएफ जो है रेयर होते थे, लेकिन बिलीरुबिन डिटेक्ट होता था कुछ ऑब्जर्वर्स द्वारा, और बाकी कुछ ऑब्जर्वर्स द्वारा एक राइज इन द ग्लोबुलिन देखा गया था. ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन एंड अमोनियम में ऑल बी रेज्ड सीएसएफ के एग्जामिनेशन में. ईईजी में क्या चेंजेस देखने को मिलते थे? ईईजी में देखने को मिलता था कि बायलैटरल स्लो वेव्स इन दी डेल्टा रेंज देखने को मिलती थी, जो 1.5 to 3 per second होती थी फ्रंटल रीजन में, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन वोल्टेज एंड स्प्रेड बैक टू द ऑक्सीपिटल रीजन विद डीपनिंग कोमा. धीरे धीरे इनको रिप्लेस कर लेती थी ऑल द अल्फा रिदम. जैसे पेशेंट इम्प्रूव होता था, ईईजी नॉर्मल आ जाता था. ज़्यादातर ये देखा जाता था कि ईईजी और क्लिनिकल स्टेट के बीच में कोरिलेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही देखने को मिलता था. ईईजी को इस तौर पे भी यूज़ किया जाता था कि अगर सही टाइम पे ईईजी हो गया तो वो ये बता देता था कि आगे चल के ये पेशेंट हो सकता है कोमा में चला जाए, और उससे पहले ही ट्रीटमेंट इनिशिएट करने में काम आता था. ईईजी के चेंजेस जो प्रोड्यूस होते थे वो बाय फीडिंग हाई प्रोटीन डाइट और अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस से भी प्रोड्यूस किए जा सकते थे. ईईजी के सिमिलर चेंजेस और भी चीज़ों में देखे जा सकते थे, जैसे कोमा स्पेशली ड्यू टू यूरेमिया. लेकिन जब हिपैटिक रीजंस की वजह से कोमा होता था तो सिमिलर ईईजी में हिपैटिक रीजंस की वजह से कोमा में कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ी हायर थी एज कम्पेयर टू यूरेमिया एंड अदर डिजीजेस. तो ये दिया हुआ था इसके फीटर हिपैटिकस के अंदर. एंड इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें उन्होंने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.
So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and also mention your opinions in the comment section. Thank you so much. Bye bye, take care.